भारत एंड स्पेशल ओलंपिक्स भारत गुजरात फॉर मेंस हैंडबॉल ट्रेनिंग प्रोग्राम हियर डे टू। कल हमने इंडिविजुअल स्किल टेस्ट के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन और प्रैक्टिकली देखा था। आज हम जो टीम स्किल है उसके बारे में हमारे रिसोर्सेस से आज हम जानेंगे कि टीम स्किल में कौन कौन से है और कैसे किए जाते हैं वो। तो आज के हमारे जो रिसोर्स है वो मनीष पी छाबड़ा, वो लास्ट 15 ईयर से स्पेशल ओलंपिक के साथ जुड़े हैं एंड स्पेशल ओलंपिक्स गुजरात अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के JND मैनेजर है एंड एज वेल एज नेशनल ट्रेनर भी है। इन्होंने PGDSO कंप्लीटेड किया है और लास्ट 2019 में जो गेम हुआ था अबू धाबी में वहाँ पर वो एज कोच की तरह गए थे। तो उनका मैं वेलकम करता हूँ मनीष सर। ऐसे हमारे दूसरे रिसोर्स है मुकेश भाई गोस्वामी, वो स्पेशल ओलंपिक्स भारत स्टेट ऑफिस में एज ए स्पोर्ट्स मैनेजर वर्क का एंड वो लास्ट 10 से स्पेशल ओलंपिक के साथ जुड़े हैं। उन्होंने भी कंप्लीट किया हुआ है एंड स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम 2015 में सॉफ्टबॉल की जो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल इवेंट हुई थी उसमें एज ए कोच पार्टिसिपेशन किया था और उनकी टीम ने गोल्ड मेडल किया था। ऐसे हमारे बीच कोच उपस्थित हैं। और एक हमारे कोच यमुना वो हैंडबॉल कोच है, उनका भी मैं वेलकम करता हूँ। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जिग्नेश भाई रावल सर से विनती करता हूँ कि ओपनिंग रिमार्क दें। यस हेलो के लिए जिग्नेश भाई ठक्कर सर से विनती करता हूँ कि आज के प्रोग्राम की ओपनिंग रिमार्क।
लिए मैं जिग्नेश भाई ठक्कर सर से विनती करता हूँ कि वो ओपनिंग रिमार्क दे। जिग्नेश भाई ठक्कर सर, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे रिसोर्स मनीष भाई से विनती करता हूँ कि वो सेशन स्टार्ट करें। मनीष भाई, हेलो 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 या या सर, ऑडिबल ऑडिबल सर। ओके ओके नमस्कार मित्रों, मेरा नाम चावड़ा मनीष है। मैं स्पेशल ओलंपिक गुजरात में 15 साल से कार्य करता हूँ। अपने हैंडबॉल के ये हैंडबॉल के बारे में जाना, हमने कल पिनल सर से सुना कि उनके मैदान और साधनों के बारे में हमने सब देखा कि मैदान कैसे होना चाहिए हमारे हैंडबॉल का और उसमें क्या इक्विपमेंट यूज होता है वो हमने कल देखा था। उसमें मैदान एक, मैं आपको हर एक कोचिश या टीचर्स या पेरेंट्स जो भी है सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मैदान का माप और मैदान कैसा होना चाहिए वो हमको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो मैदान हम जो क्योंकि जब एथलीट्स हम नेशनल लेवल पे जाते हैं तो हमको मैदान के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए मैदान के बारे में कल हमने अच्छी तरह जाना और फिर जो हमारा जो बॉल है हैंड बॉल उसका मेल का सेंटीमीटर और वेट भी देखा और फीमेल का भी देखा, दोनों का अलग अलग होता है वो हमको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। फिर हमने कल इंडिविजुअल स्किल देखी, उसमें हमारे देखी थी 3 इंडिविजुअल स्किल हमने देखा था, एक टारगेट पास, 10 मीटर ड्रिबल और शूट। ये तीनों ने हमने कल इंडिविजुअल स्किल देखी और आज हम लोग टीम स्किल देखने वाले हैं जिसमें हमारे 4 टीम स्किल हैं, स्पॉट शूट, स्पीड, ड्रिबल और पावर थ्रो। ये टीम स्किल हम जब देखते, क्यों टीम स्किल जब हम लोग टीम लेके नेशनल में जाते हैं तभी ये टीम स्किल वहां होती है और उसी तरह उसका डिविजनिंग होता है। इसीलिए टीम स्किल हमें जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि टीम स्किल हमें मालूम होगा तभी हम हमारे एथलीट्स को टीम्स के बारे में बताएंगे और उसको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो टीम स्किल हमारी यहाँ 4 होती है, एक स्पॉट शूट, स्पीड पास, ड्रिबल और पावर थ्रो। इसमें से हम आज पहले देखेंगे स्पॉट शूट, पीयूष में स्पॉट शूट। हेलो, हाँ यहाँ हम देख रहे हैं स्पॉट शूट। स्पॉट शूट के बारे में आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो स्पॉट शूट का जो माप होता है, स्पॉट शूट का जो होता है उसमें देखिए आप कि जो हमारा गोल पोस्ट है 6 लाइन मीटर और 9 मीटर लाइन, दो लाइन है। उसमें से हमें जो 9 मीटर लाइन है वहां से
एथलीट्स को बॉल को शूट करवाना है। बॉल कैसे शूट करवाना है, जो अपना जो ग्राउंड बनाया है उसमें देखिए आप कि एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2, एरिया नंबर 3, एरिया नंबर 4, एरिया नंबर 5, एरिया नंबर 6, जैसे ये एरिया जैसे बनाया है उसी तरह अपने को अपना ग्राउंड बनाना है। और फिर बाद में जो जो एथलेट्स लिखा है ग्राउंड में, देखिए आप कि जो एथलेट्स लिखा है वहां पर अपने एथलेट्स को खड़ा रखते हैं और उसको वहां दो बॉल दी जाती है। दो बॉल वहां से उसको शूट करवाना है, जैसे गोल पोस्ट में। जैसे गोल पोस्ट में आप राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ देख रहे हैं कि तीन तीन पॉइंट्स मिल रहे हैं और जो बीच वाला है उसमें वन पॉइंट है। इसीलिए हमें इसी तरह एरिया नंबर 1 से एथलीट्स को शूट करवाना है और सामने उसको बताना है कि भी तीन तीन पॉइंट और वन पॉइंट। और फिर बाद में वहां से, वहां एरिया नंबर 1 है उसमें हमें उसे दो गोल ही, दो गेंद ही देनी है। उसके बाद एरिया नंबर 2 में आते हैं, 2 में आके उसे वहां भी दो गेंद दी जाती है। वहां से फिर एथलीट शूट करेगा गोल पोस्ट में और उसी तरह उसको पॉइंट मिलते जाएंगे। इसी तरह एरिया नंबर 3 में भी आएगा, एरिया नंबर 4, एरिया नंबर 5 एंड एरिया नंबर 6। इसी 6 एरिया में उसको दो दो बार उसको गेंद दी जाएगी, टोटल 12 बार आएगा, तो बार बार उसको वो शूट करना पड़ेगा, उसी तरह उसको पॉइंट मिलेंगे। और जब ये शूट करते हैं तब हमें देखना है कि जब गेंद ज्यादा उछलती है यानी, तो हम उसे पॉइंट नहीं देते। वो अपने को ध्यान देना है और एथलीट्स को भी अपने को बताना है कि अपने जो गोल पोस्ट है उसमें हमारी गेंद जानी चाहिए है। और इसी तरह जो होता है वो हमारा स्पॉट शूट है। अच्छा, स्पॉट शूट में हमारे एक बात और भी मैं बताना चाहता हूँ कि टीम स्किल में हमने स्पॉट शूट देखा, उसी तरह इंडिविजुअल स्किल में भी हमने शूट था। शूट में मगर क्या था, शूट में खाली ओनली फॉर 6 मीटर और 9 मीटर, दोनों में से तीन तीन गेंद उस एथलीट्स को दी जाती थी और शूट किया जाता था। और शूट में उसको 5 पॉइंट, 5 पॉइंट और बीच में 2 पॉइंट्स ऐसे मिलते थे। अभी जैसे टीम स्किल में उसको 3 पॉइंट, 3 पॉइंट और 1 पॉइंट इस तरह दिया जाता है। इसीलिए हमें एथलीट्स को एक 6 मीटर लाइन्स और 9 मीटर लाइन्स उसका परफेक्ट उसको बताना पड़ेगा कि ये 6 मीटर लाइन है और ये 9 मीटर लाइन है। उसकी जानकारी उनको देना बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि हमारे एथलीट्स को पता नहीं चलता कि 6 मीटर लाइन्स क्या है और 9 मीटर लाइन्स क्या है। उसमें क्या होता है, वो लाइन तो दोनों सेम ही समझते हैं और जब वो गोल करता है तो फिर फाउल हो जाता है। इसीलिए हमें उसको बताना ज्यादा होता है कि भी 9 लाइन्स है, 9 मीटर लाइन्स और 6 मीटर लाइन्स, उनकी पूरी जानकारी देनी जरूरी होती है। इसी तरह हम ये स्पॉट स्किल उनको एथलीट्स को करवा सकते हैं। एथलीट्स का इनका आपको ये जो मैदान है, ग्राउंड है, उसको बराबर देख लेना चाहिए। और उसी तरह क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोचिश और उनको पता नहीं होता और एथलीट्स को गलत इंफॉर्मेशन मिलती है और जब एथलीट्स नेशनल लेवल पे जाता है तो गलत परफॉर्मेंस देता है। इसीलिए ये थोड़ा जान लेना बहुत जरूरी होता है। ये स्पॉट शूट हुई, स्पॉट शूट नेक्स्ट अगर पीयूष भी आगे, हेलो, हाँ, जैसे हम देखे कि उद्देश्य उसका क्या होता है कि खिलाड़ी की निपुणता को मापने के लिए ये होता है। उसके उपकरण यानी मतलब के
इक्विपमेंट क्या होता है, हैंडबॉल, टैप और कॉर्न। ये आप देखें कि जमीन के कुल 6 क्षेत्रों, जैसे हमने मैंने बताया कि एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2, एरिया नंबर 3, ऐसे 6 जो बनाए थे वो क्षेत्र बनाएंगे और खिलाड़ी को मीटर लाइन के पीछे खड़ा रहना होगा और खिलाड़ी प्रत्येक क्षेत्र से 2 थ्रो करने चाहिए। इसी प्रकार कुल 12 थ्रो देना चाहिए। इसी तरह 12 थ्रो उसको देते हैं और वो अपनी स्किल देता है। नेक्स्ट, स्कोरिंग। जैसे हमने आगे मैंने बताया कि एथलीट्स को 9 मीटर लाइन होती है, वहां से 12 गेंद को शूट करना है, है? यहाँ देखो 12 गेंद शूट करना है, यानी कि एक ही जगह से 12 गेंद शूट नहीं करनी अपने को। जैसे मैंने आपको बताया कि एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2, एरिया नंबर 3, 4, 5, 6, उसी तरह उसको गेंद को शूट करना है और हर जगह से 2-2 गेंद, यानी 12 गेंद ऐसे होती है क्योंकि एक ही जगह से 12 गेंद हम शूट नहीं करा सकते। इसी तरह उसका स्कोरिंग होता है। मेन ये स्पॉट शूट करवाने से क्या होता है कि जब एथलीट्स टीम में खेलता है तो उसको पता चलता है कि मेरे को यहाँ से भी मैं गोल कर सकता हूँ, यहाँ से भी गोल कर सकता हूँ और इसी तरह से। इसी तरह ये स्किल डेवलप करनी चाहिए क्योंकि एथलीट्स जब खेलता है तो उसको पता नहीं रहता, अपने एथलीट्स इतने वो होते हैं कि उसको सब बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, एक बार नहीं बार बार बताना पड़ता है। इसीलिए उसको इसी तरह डिवाइड किया है एरिया नंबर 1 से 6, 1 से 6, तो उसी तरह हमें उस एथलीट्स को बताना है कि फिर यहाँ से भी शूट होता है, गोल हो सकता है, बीच में से भी गोल सकता है और राइट में से भी गोल से हो सकता है, इसी तरह हो सकता है। गेंद की शूटिंग, दूसरा, गेंद की शूटिंग के बाद एथलीट लाइन पार कर सकते हैं। जैसे हमारा जो 9 मीटर वाला लाइन है वहां से शूट करने के बाद वो अंदर पैर रख सकता है ऐसा। अगर गेंद गोल पोस्ट के बीच 1 मीटर के अंदर आती है तो गोल पोस्ट गोल या 1 मीटर के भीतर जाएगी, और अगर कोई और 1 मीटर के भीतर गेंद गिरती है तो एथलीट को 3 अर्न मिलते हैं। जैसे मैंने बताया कि गोल पोस्ट में 3-3 जैसे अंक लिखे हैं, उसी तरह राइट और लेफ्ट में जाएगी तो उसको 3 अंक मिलेंगे, बीच में जाएगी तो उसको 1 मिलेगा। यदि गेंद 2 या अधिक बार उछलती है तो स्कोर नहीं गिना जाता, क्योंकि हमारे एथलीट्स काफी ऐसे होते हैं कि उनकी गेंद गोल पोस्ट तक पहुंचती नहीं है और बहुत उछल उछल कर जाती है, तो ऐसे जो वो स्कोर गिना नहीं जाता। ऐसे हमने देखा कि ये हमारी स्पॉट शूट स्किल थी। अब हम देखेंगे स्पीड पास। पीयूष भाई, नेक्स्ट। अब हम देख रहे हैं हमारी ये स्पीड पास स्किल। स्पीड पास स्किल में हमें क्या चाहिए, हैंडबॉल होगा हमारे पास, स्टॉपवॉच होगी, है टैप होगी, है ना। स्पीड पास में हमें हमारे एक प्लेन दीवार चाहिए हमको, जैसे हमारे टारगेट पास में जो दीवार थी ऐसी, जैसे हमने आपको बताया था उसी तरह कि हमें कि एक दीवार चाहिए और जो वॉल दीवार है वहां से हमारा 3 मीटर एक बॉक्स बनेगा, 3 मीटर उसमें दीवार से 3 मीटर और जो 3x3 का हमारा एक बॉक्स बनेगा। जैसे आपने यहाँ दिखाई देता है कि दीवार से 3 मीटर ऐसे बॉक्स बनाया है और 3x3 का बॉक्स बनता है। जब एथलीट होता है उसको जब अपना बॉक्स होता है उसमें खड़ा रहना पड़ता है, खड़े रह के उसको वहां से अपना जो बॉल है उसको दीवार पे डालना है और सामने कैच करना है। जब एथलीट्स बॉल फेंकता है
तो अपने को हैंडबॉल में खास एक ध्यान रखना है कि हमारा एथलीट जो बॉल फेंकता है वो एक ही हाथ में, एक ही हाथ से दीवार पे बॉल फेंकनी चाहिए, क्योंकि दो हाथ से बॉल फेंकेगा तो वो फाउल गिना जाएगा, वो गिनेगा नहीं। इसीलिए हमको एथलीट्स को वही सिखाना है कि जो हम वॉल पे जो वो बॉल डाल रहा है जो बॉक्स में से, वहां से दीवार पे एक हाथ से बॉल फेंके और कैच करना है। अभी एक एक इतने समय तक, ये हमारे पास स्टॉप वॉच है, हमें 30 सेकंड तक ये करवाना है। 30 सेकंड हम उसका जब फिनिश होगा तब हमारे स्टॉप वॉच बंद कर देंगे, और किसने उसने पास किया और कैच किया है डायरेक्ट, वो हम गिन के उसको पॉइंट देंगे। उसी तरह हमारा स्पीड स्पीड पास होगा, उसमें हमें एथलीट्स को बताना ही है कि एक हाथ से डालनी है बॉल, ठीक है। हम आपको एक थोड़ा सा वीडियो, स्पीड पास का एक वीडियो है, तो आप वो देखेंगे तो ज्यादा आपको मालूम पड़ेगा कि आप किस प्रकार एथलीट्स को करवाना है स्पीड पास। पीयूष भाई प्लीज वीडियो। दोस्तों, ये हमारी हैंडबॉल की टीम स्किल में से एक स्किल है जिसका नाम है स्पीड पास। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सामने एक ब्लैक दीवाल है और यहाँ पे एथलीट के खड़े रहने के लिए हमने यहाँ पे दीवाल से 2 मीटर दूर 3x3 का एक एथलीट एरिया तैयार किया हुआ है। तो एथलीट को इसी एरिया में खड़े रह के अपनी ये स्किल कंप्लीट करनी होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सामने दीवार पे एथलीट ये यहाँ पे खड़ा रह के सामने दीवार पे बॉल फेंकेगा और उसको कैच करेगा। और ये स्किल में दोस्तों एथलीट को एक हाथ से बॉल फेंकना है, वो रिसीव 2 हाथ से कर सकता है लेकिन उसको फेंकना एक हाथ से है। ऑफिशियल उसको 30-30 सेकंड का 2 ट्रायल देंगे। 30 सेकंड में वो जो जितना बॉल फेंकता है और जितना कैच पकड़ता है वो हमको काउंट करना होता है, उतने उसके पॉइंट होते हैं। तो दोस्तों, मैं अब आपको ये स्किल का एक डेमो करके दिखाऊंगा लाइव। दोस्तों, एथलीट को यही 3 मीटर के एरिया में खड़े रह के स्किल करनी है। वो यहाँ पे खड़ा रह सकता है, पीछे भी खड़ा रह सकता है। ये 3 मीटर के एरिया में वो कहीं पर भी जो उसको एडजस्ट होता है वहीं पे खड़ा रह सकता है। अगर एथलीट ये स्किल करते करते उसका पैर लाइन को टच हो जाता है या फिर लाइन लाइन के बाहर आ जाता है तो वो उसका ड्रिबल वो उसमें वो पास वो उसमें काउंट नहीं किया जा सकता। तो अभी हमारे ऑफिशियल मुझे स्टार्ट देंगे और 30 सेकंड में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक हाथ से ड्रिबल करके मैं कितने कैच पकड़ता हूँ, वो लाइव डेमो में दिखाऊंगा। तो स्टार्ट। आपने अभी देखा दोस्तों, मैंने अभी स्पीड स्पीड पास की स्किल करके दिखाया। ऑफिशियल ने मुझे 30 सेकंड का टाइम दिया था, वैसे ये प्रॉपर स्किल में 30-30 सेकंड के आपको एथलीट को 2 ट्रायल देने होते। ये 30 सेकंड में एथलीट अगर प्रॉपरली बॉल पास करता है और कैच करता है तो उसके उतने पॉइंट यहाँ पे काउंट होते। अगर वो कैच नहीं करता, लाइन के बाहर क्रॉस कर जाता है तो वो टोटल पॉइंट में से उतने उसके काउंट नहीं गिने जाते, उतने माइनस कर दिए जाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ये स्किल थी हमारी स्पीड पास। थैंक यू विनल भाई, थैंक यू पीयूष भाई। तमे आपड़े हमने देखा कि इस वीडियो में टारगेट पास किस तरह एथलीट्स को, हेलो, हमने देखा कि स्पीड पास किस तरह एथलीट्स को
करवाते हैं, है? हमने यहाँ एक आपने देखा होगा कि स्पीड पास में जिसमें हमने जो स्किल दिखाई, इसमें स्पीड पास में जो वॉल थी उसमें वो प्लेन वॉल थी, है ना? और जो हमने इंडिविजुअल स्किल थी उसमें आपने टारगेट पार्ट पास में देखा होगा था, तो उसमें हमने वॉल पे उसका माप बनाया था कि इसी बॉक्स के अंदर उसका गेंद जानी चाहिए। और यहाँ देखो स्पीड पास में ऐसा कुछ नहीं है, स्पीड पास में सामने वॉल है और वहां से डायरेक्ट उसको कैच करना है फेंक के, इसमें और उसमें इतना थोड़ा डिफरेंट थोड़ा फेर है, है? इसी तरह हमारे स्पीड पास एथलीट्स को हमें सिखाना है। नेक्स्ट पीयूष, हाँ, उद्देश्य हमारा खिलाड़ी को निपुणता मापने के लिए होता है, ये उसके इक्विपमेंट हैंडबॉल टैप शंकु स्टॉपवॉच। खिलाड़ी को दीवार में 3 मीटर दूर एक बॉक्स में रखें, खिलाड़ी को बॉक्स में खड़े होकर गेंद को दीवार पर फेंक कर पकड़ना होता है, खिलाड़ी को एक हाथ से गेंद फेंकनी होती है, खिलाड़ी 30 सेकंड दिए जाते हैं, है? यहाँ आपने नोट किया कि खिलाड़ी एक ही हाथ से गेंद फेंकनी चाहिए। नेक्स्ट पीयूष, स्कोरिंग हम करते हैं तो हमें देखना है कि एथलीट्स को बॉक्स में खड़ा रखना जरूरी है, क्योंकि एथलीट्स बॉक्स के बाहर जाएगा तो उसको पॉइंट नहीं मिलेगा, उसकी योग्यता 30 सेकंड के 2 परीक्षणों में दी जाएगी, 2 बार उसको 30-30 सेकंड दी जाती है और 2 बार उसको परीक्षण में दी जाती। यदि एथलीट्स बॉक्स में रहता है और गेंद को पकड़ता है तो उसको 1 अंक मिलता है, यानी 1 पॉइंट उसको दी जाती है। बॉक्स के बाहर से गेंद को पकड़ से आपको अंक नहीं मिलेगा, हमारे एथलीट्स को खास ऐसे समझाना होता है क्योंकि उसको तो कोई पता नहीं होता कि ये बॉक्स क्या है, तो उसे हमें पहले इसे बॉक्स के बारे में समझाना होता है और उसको बताना पड़ता है कि ये बॉक्स के बाहर हमें जाना नहीं है, क्योंकि एथलीट्स हमारा बॉल कहीं भी दीवार पे डालेगा और लेने के लिए दौड़ता है, इसीलिए हमें उसको थोड़ा बताना पड़ेगा कि इसके बाहर जाना नहीं है, नहीं तो उसको पॉइंट नहीं मिलते। एथलीट्स गेंद फेंकता है लेकिन यह दीवार से नहीं टकराती है तो उसे दिए 0 अंक, जब वो गेंद फेंकता है और दीवार तक पहुंचती नहीं है तो उसको 0 पॉइंट देते हैं। एथलीट्स को कुल 30 सेकंड के 2 परीक्षण दिए जाते हैं, उसको 2 बार 30-30 सेकंड दिए जाते हैं। ट्रायल में पकड़े हुए जाने पर एथलीट 2 को अधिक अंक मिलेंगे, इसी तरह उसका स्कोरिंग होता है। हमने यहाँ देखा 2 स्किल देखी, स्पॉट शूट और स्पीड पास। अब हमारी और 2 स्किल है जो ड्रिबल और पावर थ्रो, तो मैं हमारे जो स्पेशल ओलंपिक गुजरात के मुकेश भाई हैं, मैं उनसे विनती करूंगा कि आपको ड्रिबल और पावर थ्रो के बारे में जानकारी 2 स्किल की दे। थैंक यू। हेलो, प्लीज आवाज आ रही है? यस, ऑडिबल। ओके, थैंक यू पीयूष भाई, थैंक यू मनीष भाई। आज आपको मनीष भाई ने 3 स्किल के बारे में आपको जो जानकारी दी है, 2 स्किल का, उसके बारे में आपको समझ आ गया था कि टोटल हैंडबॉल में 4 स्किल है, 4 में से आज आपको 2 स्किल मनीष भाई ने सिखाया और बाकी जो 2 स्किल है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वो 2 स्किल और क्या है। उसमें पहला स्किल है ड्रिबलिंग, जैसे कल आपने देखा था, जैसे कि पीनल भाई ने बताया था
विनेश भाई ने कल अपने को बताया था कि ड्रिब्लिंग 10 मीटर ड्रिबल बताया था, तो इसी तरह से आज आपको हम बताएंगे कि ड्रिबल कैसे करना है। वो सीधा ड्रिबल करना था, आज हमको जिगजैग ड्रिबल करना है। जैसे जो सांप होता है वो कैसे चलता है उसी हिसाब से आज अपने को उसका ड्रिबलिंग करना है। नेक्स्ट प्लीज भाई। अभी अपने देखेंगे कि उसका ग्राउंड कैसे बनाना है, कौन कैसे रखना है, वो सब कैसे करना है उसके बारे में हम बताएंगे आपको। सबसे पहले लिखा है एथलेट, एथलेट के बाजू में एक बॉक्स बनाया है, वो बॉक्स में एथलेट को खड़ा रखना है। उसके बाद सीधा एक लाइन बनाया है, वो आता है स्टार्टिंग लाइन में। उसके बाद एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर और पांच नंबर, ये पांच बॉक्स बनाए हैं। वो बॉक्स बनाने का इंटेंस है कि वहां पे आपको जो कौन है वो रखना है, जैसे एक, दो, तीन, चार और पांच, पांचों जगह पर आपको कौन रखना है। तो कौन रखने के बाद उसका मेजरमेंट है कि कौन ऐसे रख लेना है, ठीक है, जैसे आया ऐसे अपने रख लिया, ऐसा कोई डिस्टेंस में ऐसे उसका सेम डिस्टेंस बना के उसको रखना है। जैसे कि आपने सबसे पहले स्टार्टिंग लाइन बनाया है, स्टार्टिंग लाइन बनाने के बाद 2.60 मीटर, 2.60 उसको सबसे पहले एक नंबर है, वहां से स्टार्टिंग लाइन से एक नंबर है, वो डिस्टेंस है 2.60 मीटर, वहां पे आपको कौन रखना है। बाद में 2.60 मीटर से आगे 3.10 मीटर डिस्टेंस लेके आपको दूसरा कौन रखना है। उसके बाद आपको 3.10 मीटर लेके तीसरा कौन रखना है, इसी तरह 3.10 मीटर लेके चौथा कौन रखना है, और उसके बाद 3.10 मीटर लेके आपको पांच नंबर का कौन वहां पे रख देना है। ऐसे उसका मेजरमेंट है कि 2.60, 3.10, 3.10, 3.10 और 3.10, इस तरह से आपको वो जो माप दिया है उसके हिसाब से आपको वहां पे कौन रख देना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एथलेट को स्टार्टिंग लाइन पे खड़ा रख देना है। नेक्स्ट प्लीज। उसका उद्देश्य क्या है कि खिलाड़ी के ड्रिबलिंग की गति को मापने के लिए उसका अपने को उद्देश्य है, यानी जब भी हैंडबॉल बहुत फास्टेस्ट गेम है, उसमें ड्रिबलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको बॉल हाथ में पकड़ कर दौड़ नहीं सकते, आप शायद हाथ में बॉल पकड़ कर दौड़ेंगे तो सामने जो रेफरी होगा वो आपको फाउल दे देगा, यानी रनिंग बोल के आपको फाउल देगा। इसके लिए ड्रिबलिंग कंपलसरी है, इसके लिए अपने ड्रिबलिंग की अपनी जो गति है वो मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके इक्विपमेंट कौन से, हैंडबॉल जैसे मैंने बताया, कौन अपना मेजरमेंट लेने के लिए आपको टेप चाहिए, इसके बाद आपको स्टॉपवॉच चाहिए, ये सब उसके अलग अलग इक्विपमेंट है। उसके बाद है स्पष्टीकरण, यानी उसका विवरण क्या है। खिलाड़ी को शुरुआत लाइन के पीछे खड़ा रखा जाएगा, सीटी बजने के साथ खिलाड़ी ड्रिबल शुरू करेगा, खिलाड़ी को एक ही हाथ से ड्रिबल करना होगा, यानी एक ही हाथ से उसको ड्रिबल करना है, दो हाथ से वो ड्रिबल नहीं कर सकता है। उसको एक ही हाथ से ड्रिबल करते हुए स्टार्टिंग लाइन से लास्ट वाला कॉर्नर है उसके आगे तक जाना है। हेलो हेलो मुकेश भाई, आवाज आपका ब्रेक हो रहा है, आवाज आपका ब्रेक हो रहा है, तो एक दो फिर से आप अनम्यूट करके ज्वाइन होंगे। यस से बोलिए सर। ओके थैंक यू पीयूष भाई। जैसे कि उसका विवरण क्या है वो भी मैंने आपको बताया, अभी नेक्स्ट पीयूष भाई। नेक्स्ट उसका स्कोरिंग कैसे किया जाता है, अगर एथलीट ठीक से ड्रिबल करता है तो उसे 60 अंक देने होंगे। यदि कोई एथलीट एक कौन से दूसरे कौन से गुजरते समय ड्रिबलिंग जैसे जैसी गलती करता है तो उसे अंक काट लिए जाएंगे। यदि कोई एथलीट कौन में से किसी एक के बीच ड्रिबल करना भूल जाता है तो उसे 3 अंक काट लिए जाएंगे।
जैसे कि आपको पता है कि स्टार्टिंग लाइन से आपको जिगजैग शुरू करना है, जिगजैग शुरू करना है, तो एक नंबर से उसके पीछे से जाके, दो नंबर से कौन के बीच से अंदर से जाके, तीन नंबर के जिगजैग आपको ड्रिबल करना है। यदि आप जिगजैग ड्रिबल नहीं करते हो और शायद कोई कौन मिस करते हो तो आपका जो 60 का जो है टोटल उसमें से उतने अंक काट दिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ तक कि अगर दोनों हाथों से ड्रिबल करता है, अगर ड्रिबल बंद कर देता है, ड्रिबल बंद कर देता है तो उसको उसके भी तीन अंक काटे दिए जाएंगे। अगर वो शायद चलते चलते ड्रिबल बंद कर देता है, बॉल हाथ में पकड़ लेता है और आगे चला जाता है, ऐसा कुछ भी कोई भी गलती करता है तो उसके तीन अंक उसके काट लिए जाएंगे। उसमें पॉइंट कैसे देना, यदि वो सही तरह से पॉन को पास करता है तो ही उसके उसको अंक दिए जाएंगे। यानी जो भी गलती करता है वो उसका माइनस उसका जो ग्राउंड मेजरमेंट है वो दिखाइएगा एक बार। हाँ, अभी आप देख रहेंगे तो एथलेट लिखा है, जो एक नंबर है उसके ऊपर 3 मीटर लिखा है, तो एथलेट को क्या करना है, वहां से स्टार्ट करके ऊपर से होके वहां से उसको एक नंबर से जाके वहां से दो नंबर तक आना है, दो नंबर के पीछे से निकलना है उसको तीन नंबर से निकल के यहाँ पे वो जिगजैग आएगा, चार नंबर से आके वो वहां से निकलेगा 5 नंबर तक, और वहां से वो 5 नंबर के आके जाके बॉल को पकड़ के खड़ा रहेगा। आपने अभी पीयूष ने वो कर्सर दिखाया है वो आप देख रहे होंगे कि उन्होंने फिर से कर्सर घुमाया था, वो अभी फिर से बता रहे पीयूष भाई आपको। ये स्टार्ट किया, यहाँ से आए आपने, उसके यहाँ से निकले, दो नंबर पे गए, वहां से आए तीन नंबर पे गए, अब वहां वो थी, अभी 4 नंबर से सीधा 5 नंबर जाएगा, पीयूष भाई सीधा उसको वो नहीं करना है, सीधा हाँ 4 नंबर से सीधा 5 नंबर जाए। तो अभी क्या किया है, तो उसने एक पॉइंट मिस किया, तो उसने जो भी पॉइंट मिस किया है उसके 3 अंक उसके काटे जाएंगे, तो उसका 60 में से उसको 3 पॉइंट आपको माइनस करना है, यानी उसकी स्कोर होगा 57। यदि शायद कोई एथलीट ड्रिबल करते करते बीच में जाके बॉल पकड़ के खड़ा रह जाता है तो उसके 3 अंक, फिर से थोड़ा आगे गया और बॉल पकड़ के खड़ा रह गया तो 3 अंक, ऐसे आपको काउंट करना है और काउंट करते करते उसको लास्ट तक उसको फिनिश करना है। इसी तरह एथलीट को गलती पर पीछे स्कोरिंग बताइएगा, इसी तरह एथलीट की गलती पर इससे अधिकतम 20 अंक तक काटा जा सकता है। इस तरह एथलीट को 2 परीक्षण दिए जाएंगे और अधिक अंक प्राप्त करने वाले ट्रायल को उसको अपने मान्य रखेंगे कि भी उसने पहली बार किया तो उसका 52 कोर्स उसका स्कोरिंग हुआ, और दूसरी बार उसको दूसरा ट्रायल दिया उसमें उसका 54 आया, तो जो ज्यादा है 54 वाला है उसको अपने कंसिडर करेंगे और उसके स्कोरिंग में उसको डालेंगे कि उसका स्कोर 54 हुआ, दोनों में से जो भी ज्यादा होता है उसको अपने कंसिडर करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है पावर थ्रो। पावर थ्रो, आपका पावर थ्रो का इंटेंस ये है कि आपकी थ्रो करने की एबिलिटी लॉन्ग डिस्टेंस, एक वीडियो है। हेलो, ड्रिबल लो वीडियो छे। नमस्कार दोस्तों, ये हमारी हैंडबॉल की टीम स्किल में से एक स्किल है जिसका नाम है ड्रिबलिंग। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने ड्रिबलिंग के लिए ग्राउंड तैयार किया है, तो ये हमारी स्टार्टिंग लाइन है, तो स्टार्टिंग लाइन से जो पहला कौन है हमारा उसका डिस्टेंस रहेगा 2.6 मीटर, 2.6 मीटर का उसका डिस्टेंस रहेगा, और बाकी सारे कौन रखे उन सब कौन के बीच का अंतर रहेगा 3.1 मीटर, 3.1 मीटर के डिस्टेंस से हमको 5 कौन रखने हैं। हमें एथलीट को
इस एरिया में ये स्किल कंप्लीट करवानी होती है। जैसे ही हमको हमारा ऑफिशियल विशल दे के स्टार्ट देगा, वैसे ही एथलीट बॉल लेके ड्रिबल करना स्टार्ट करेगा और वो जिगजैग टाइप जाएगा, एक एक कौन पास करके वो जिगजैग करके वो स्टार्ट। अगर एथलीट ये स्किल करते करते कौन सी भूल करता है और उसके पॉइंट काउंट नहीं किए जाते वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले भूल है कि अगर एथलीट जिगजैग की जगह सीधा चला जाए तो वो पॉइंट इसमें काउंट नहीं किए जाते, वो उसके मिस्टेक में गिना जाता है। और दूसरी बात, अगर एथलीट ड्रिबल करते करते उसका बॉल कौन पे टच हो जाता है, कौन गिर जाता है, तो वो भी पॉइंट उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। और तीसरे मिस्टेक, अगर एथलीट ड्रिबल करते करते ड्रिबल करना स्टॉप कर दे और बॉल पकड़ के वो सीधा चलता है तो वो भी पॉइंट उसके इसमें काउंट नहीं किए जा सकते। तो ये तीनों भूलों का मैं एक एक डेमो करके दिखाऊंगा। अब चालू रख। तो जैसा कि आपने देखा कि एथलीट ने पहले स्टार्ट में ड्रिबल स्टार्ट किया, फिर बॉल पकड़ के वो हाथ में चलने लगा, तो ये उसका ये पॉइंट उसमें नहीं गिना जा सकता, ये उसके भूल में गिनी जाती है। आपने देखा कि मैंने ड्रिबल करते करते स्टार्ट किया और कौन में मैंने जिगजैग नहीं किया बल्कि मैं सीधा चला आया, तो ये प्रॉपर स्किल नहीं है, उसके पॉइंट काउंट नहीं होते, ये एक मिस्टेक में गिनी जाती है। जैसा कि आपने देखा कि ड्रिबल करते करते बॉल कौन को टच हो गया, कौन गिर गया, तो ये भी एक प्रॉपर स्किल नहीं है, इसके भी ये पॉइंट काउंट इसमें नहीं किए जाते। आपने देखा कि ये हमारी ड्रिबलिंग स्किल का यहाँ पे डेमो करके दिखाया, तो हमें साथ में ये भी बताना है कि हमारे एथलीट को ये स्किल प्रॉपर कैसे करनी है और ये स्किल के वक्त किस बात का ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है। बॉल पकड़ के सीधा चलना नहीं है, बॉल ड्रिबल करके सीधा नहीं चलना है और जिगजैग करते वक्त है बॉल कौन को टच नहीं होना है, ये बात हमको हमारे एथलीट को कोचिंग या ट्रेनिंग के वक्त हमको सिखानी होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी हैंडबॉल की टीम स्किल में से एक स्किल ड्रिबलिंग। थैंक यू। थैंक यू पिनल भाई, आपने बहुत ही अच्छा समझाया कि जिगजैग कैसे करना है, उसमें कैसे गलती होती है, क्या गलती होती है, उसको सुधारने के लिए कैसे करना है, वो आपने बताया, उसके लिए थैंक्स। हमारा चौथा और लास्ट है पावर थ्रो। पावर थ्रो का मतलब ये है कि आपकी थ्रो करने की जो क्षमता है वो मापने के लिए उसको पावर थ्रो का टेस्ट लिया जाता है। पावर थ्रो जब भी हैंडबॉल एक फास्टेस्ट गेम है, उसके लिए कि आपको शायद आपकी मैच चालू है और आपकी टीम और सामने वाली टीम आपके साइड गोल आकर गोल करने जा रही है और शायद वो गोल बच जाता है और आपका कोई प्लेयर फटाफट दौड़ के सामने वाले ग्राउंड में चला जाता है, तब आपका जो एथलीट्स है वो लॉन्ग डिस्टेंस पास करेगा और सामने आपका जो प्लेयर है उसको देगा तो वो आसानी से गोल कर सकता है। इसके लिए पावर थ्रो की जरूरत होती है कि पावर थ्रो से पावर से आप उसको थ्रो कर सकते हैं दूर तक, इसके लिए पावर थ्रो का भी यहाँ पे टेस्ट लिया जाता है। अभी आपकी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक ग्राउंड बनाया है, एक 3 मीटर चौड़ा और एक 20 मीटर लंबा एक ग्राउंड है, उसमें
एथलेट लिखा है, उसके बाजू में एथलेट्स को खड़ा रखा है, जो राउंड बॉक्स बनाए वो एथलेट्स है, वहां से स्टार्टिंग लाइन से 6.10 मीटर में आपको एक लाइन बनाना है। उसके बाद वहां से आगे स्टार्टिंग लाइन से 12.20 मीटर पे एक दूसरा लाइन बनाना है, और इसी तरह स्टार्टिंग लाइन से 18.30 मीटर वहां पे एक लाइन बनाना है, और लास्ट में 20 मीटर पर आपको जो गोल लिखा है वो आपका 20 मीटर का लाइन है, वहां तक आपका पूरा लाइन होगा। इससे उसको चार पार्ट में उसको डिवाइड को करना क्या है, एथलेट्स को वहां से जो एथलेट्स बॉक्स है वहां से वो खड़े रहकर भी थ्रो कर सकता है, और वहां से वो रनिंग करके तीन स्टेप लेके भी वो वहां से थ्रो कर सकता है। वहां से एथलेट्स को लिखा है वहां से वो रनिंग भी करके तीन स्टेप लेके वो थ्रो करेगा, या वो खड़े खड़े उसको जैसे भी एथलेट्स को सूटेबल है उसी प्रकार वो वहां से थ्रो करेगा, जितना दूर जाएगा उतना पॉइंट उसको ज्यादा मिलेगा। जैसे कि अभी बताया है कि आपको जैसे वहां से उसने बॉल डाला और 18.30 मीटर है वहां पे गिरता है तो उसको वहां पे 8 पॉइंट मिलता है, इसी तरह से हाईएस्ट 8 पॉइंट आपको वहां पे मिलता है। अभी वो कैसे करना है उसका विवरण क्या है वो अपने देखेंगे नेक्स्ट। यूज भाई पावर थ्रो एबिलिटी परीक्षण में खिलाड़ी को तीन गेंदें फेंकनी होगी, यानी कि पावर थ्रो में आपको तीन ट्रायल दिए जाएंगे, आपको तीन बार उसको फेंकने का चांस दिया जाएगा। यदि कोई खिलाड़ी 12.5 मीटर के बॉक्स में फेंकता है तो उसको चार अंक नीचे स्कोर होता है, जैसे आपने बताया कि 6.10, 12.20, 18.30 ऐसे जो बॉक्स बनाए थे उसके अंदर के साइड आपके अंदर जो बॉक्स है उसके अंदर स्कोरिंग लिखा था, वो जहां पे भी बॉल गिरती है इतना आपको वहां पे स्कोर मिलता है। यदि कोई खिलाड़ी थ्रो लाइन के बाहर फेंकता है तो उसे जीरो अंक से सम्मानित किया जाएगा। जैसे कि अब तो 3 मीटर चौड़ा जो लाइन है 3 मीटर का बना है, 20x3 मीटर का जो अपना ग्राउंड था, यदि एथलेट्स बॉल फेंकता है और वो बार की साइड जाता है, अभी इसमें देखेंगे आप कि जो दोनों साइड जो लंबी लाइन बनाई है 20 मीटर की उसके बाहर एथलेट डालता है और उसके बाहर बॉल जाती है तो उसको कोई अंक मिलेगा नहीं, ये जो बॉक्स बनाया है उसके अंदर ही गिरेगा तो ही उसको पॉइंट मिलेगा, बार की साइड जाता है तो उसको पॉइंट मिलता नहीं है। इसी तरह एथलेट्स को तीन थ्रो दिए जाएंगे, आपको उसको तीन थ्रो करना है, वो जितना वो अपने एथलेट्स को यही बताना कि जितना उससे हो सकता है पावर है उसमें जितना भी पावर है उतना पावर से उसको थ्रो करना है, पर मैक्सिमम 8 पॉइंट है तो उसको अपना एथलेट्स को यही बताना है कि आपको 8 पॉइंट कवर करना है, यानी वहां से वो स्टार्ट करेगा, 3 स्टेप लेके भी वो डाल सकता है, खड़े खड़े भी वो डाल सकता है, और वहां से उसको थ्रो करके उसको जो 8 पॉइंट है अपना एक फोकस होना चाहिए एथलेट्स के ऊपर, एथलेट्स को यही बोलना है कि आपको 8 पॉइंट्स तो कवर करना ही है, तो उसको आपको उसको बताना है कि आप में जितना भी पावर है वो पावर बाहर निकालो और इतना जोर से आप वहां पे बॉल डालो कि वो आपको मैक्सिमम पॉइंट मिले। इस प्रकार पावर थ्रो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है हैंडबॉल गेम्स के लिए, जब गेम खेला जाता है तब पावर थ्रो से आपको बहुत बेनिफिट होता है कि आपका प्लेयर आगे होता है तो आपको ड्रिबल करके जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप वहां से भी थ्रो करके उसको पास करके अच्छे तरीके से और इजी गोइंग आप वहां पे सामने की गोल पोस्ट में गोल कर सकते हैं। इसी तरह आज टोटल 4 स्किल हुए अपने, शूट हुआ, फिर पावर थ्रो हुआ, ड्रिबल हुआ, फिर आपने 4 स्किल देखे, तो 4 स्किल में 2 मनीष भाई ने बताया और 2 स्किल मैंने आपको बताया, आज एक 3 स्किल था उसके चारों 4 स्किल अपने देखा। यदि आपको कोई क्वेश्चन आंसर हो तो आप पूछ सकते हो। मैं पीयूष भाई ओवर टू पीयूष भाई, मैं पीयूष भाई से विनती करता हूँ कि आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू पीयूष भाई। थैंक यू सो मच मुकेश सर एंड मनीष सर कि आपने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिया कि कैसे टीम स्किल दी जाती हैं और कैसे करवाई जाती हैं प्रॉपर वे में विद प्रैक्टिकल आपने बताया।
और हमारे कल के भी रिसोर्स पर्सन जो थे पिनल भाई, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से वीडियो शूट आउट करके प्रॉपर वे में बताया। मैं क्वेश्चन एंड बॉक्स से पहले हमारे बीच एक कोच उपस्थित हैं यमुना बहन, तो मैं उनसे विनती करता हूँ कि वो रिव्यू दें। प्लीज स्पीक यमुना बहन। यस मैडम। हाँ थैंक यू पीयूष भाई। नमस्ते, मेरा नाम यमुना पटेल है। मैं महिसाना डिस्ट्रिक्ट में इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चाइल्ड के साथ काम करती हूँ। स्पेशल ओलंपिक भारत और स्पेशल ओलंपिक गुजरात के द्वारा आयोजित हैंडबॉल स्किल टेस्ट की ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में सभी पार्टिसिपेंट का स्वागत करती हूँ। आज दूसरे दिन हमने देखा कि हैंडबॉल की टीम स्किल के जो टेस्ट है उसके बारे में, जिसमें हमने मनीष भाई ने दो स्किल टेस्ट बताए, उसमें था स्पोर्ट सूट और स्पीड पास। तो उसमें स्पोर्ट सूट और स्पीड पास में उन्होंने बताया कि उसका ग्राउंड कैसा होता है। जैसे स्पोर्ट सूट में 2 मीटर से 6 एरिया बनाए जाते हैं, उसमें एथलेट को दो दो बॉल दिए जाते हैं और उसके पॉइंट कैसे गिने जाते हैं उसके बारे में बताया। और दूसरी जो स्पीड पास थी तो उसमें भी उन्होंने अच्छी तरह से हमको मार्गदर्शन दिया कि उसमें उसका ग्राउंड कैसा होता है, कौन से उपकरण की जरूरत पड़ती है, उसके जो स्किल है उसका उद्देश्य क्या है, वो सब बताया। और फिर पिनल भाई के द्वारा उन्होंने अच्छा वीडियो डेमो करके दिखाया, जैसे उस सबको समझ में आ जाए कि ये स्किल हमको कैसे एथलेट को करानी है। इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छा हमको समझाया और दोनों स्किल अच्छी तरह से उन्होंने डिटेल में पूरी तरह से समझाई कि स्कोरिंग उद्देश्य उनके उपकरण सब कैसे करना है, कैसे उसमें उसका जो उद्देश्य है एथलेट को क्या क्या क्षमता होनी चाहिए सब उन्होंने डिटेल में समझाया। फिर दूसरी जो दो स्किल थी के ड्रिबल और पावर थ्रो जो हमको मुकेश भाई ने गोस्वामी ने समझाया कि ड्रिबलिंग कैसे करना है, तो ए ड्रिबलिंग था वो जिगजैग टाइप का था, जो इंडिविजुअल स्किल में था उससे थोड़ा अलग था, तो उन्होंने वो भी समझाया। ड्रिबलिंग करने में हमें कैसे ड्रिबलिंग करना है, कैसे ड्रिबलिंग करते वक्त एथलेट कितनी गलतियां करता है वो समझाया, उसमें पॉइंट कैसे गिने जाते हैं, स्टार्टिंग लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है, कितने एरिए होते हैं वो बताया। फिर वहां से हम जो एथलेट को इतनी अच्छी तरह से समझा सके इसलिए उन्होंने एक वीडियो भी डेमो करके दिखाया, जिससे हमें पता चले कि एथलेट को हमें कैसे सिखाना है, वो क्या क्या गलती कर सकता है, इसके बारे में हमको पूरी तरह से उन्होंने अच्छी तरह से थियोरिकल और प्रैक्टिकल वीडियो के द्वारा हमको अच्छी तरह से समझाया। चौथा था पावर थ्रो, तो पावर थ्रो में वो एथलेट्स की क्षमता मापने के लिए किया जाता है, उसमें गोल करने की जो क्षमता होती है वो हम पहचान सकते हैं कि एथलेट्स कैसे कर सकता है। उसमें भी हमको वो जो उनका ग्राउंड है वो ग्राउंड के लिए ग्राउंड का माप बताया, उसमें कितने एरिया होते हैं, ए एरिया में एथलेट कितने स्पीड में थ्रो करता है, उसी तरह से उनको पॉइंट मिलता है तो कहाँ से कहाँ तक की लाइन खींची जाती है, वहां पे उन्होंने बताया 6.1 मीटर, 12.2 मीटर, 18.3 मीटर का जो एरिया उन्होंने बताया उसमें भी वहाँ अच्छी तरह से पॉइंट लिखे हुए थे कि पॉइंट कहाँ कितने देने हैं। तो इस तरह से उन्होंने हमको बहुत सारी विस्तृत माहिती दी जिससे हम भी अपने एथलेट को अच्छी तरह से ट्रेन कर सके के उसको सिखा सके कि हैंडबॉल में स्किल की तरह हम जब नेशनल लेवल पे एथलेट को लेके जाते हैं तो ये सब टेस्ट होती है। तो इसलिए हम जो भी हमको ये माहिती दी वो बहुत अच्छी दी थी, इसलिए मनीष भाई और मुकेश भाई को मैं धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने प्रैक्टिकल वीडियो के द्वारा और थियोरिकल अच्छा इंफॉर्मेशन दिया है। और मैं स्पेशल ओलंपिक भारत और स्पेशल ओलंपिक गुजरात की टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया।
थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, जो आपने बात बताई कि जो आज के सेशन के बारे में मोस्ट प्रोबली कमेंट बॉक्स में भी यही था कि इन्फॉर्मेटिव था, और इसी बीच बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो मैं विनती करता हूँ पहले मुकेश भाई से कि वो इन्होंने जो दो स्किल ली थी उसके बारे में थोड़े क्वेश्चन का आंसर दें। एक क्वेश्चन है, डज देयर एग्जिट एनी टाइम लिमिट फॉर जिगजैग ड्रिबलिंग? मुकेश भाई, हेलो मुकेश भाई, हेलो, हाँ पीयूष भाई, यस वन मोर, आपने जो स्किल ली थी उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आए हैं, तो मैं विनती करता हूँ कि आप उसके आंसर दें। हाँ बोलिए बोलिए। एक क्वेश्चन है कि डज देयर एग्जिट एनी टाइम लिमिट फॉर जिगजैग ड्रिबलिंग? कोई टाइम लिमिट रहता है जिगजैग ड्रिबलिंग के लिए? जिगजैग में कोई टाइम लिमिट नहीं है, उसको जहां से उसको ऑफिशियल ने स्टार्ट दिया वहां से वो स्टार्ट करेगा, उसको जिगजैग ड्रिबलिंग करते 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 उसको सामने के साइड जब 5 नंबर का कौन है वो खत्म करके उसको वहां पे जाके खड़ा रहना है। बस अपने को एथलेट्स का टाइम लिमिट नहीं, उसका खास ध्यान ये रखना है कि वो सही तरह से ड्रिबलिंग करता है कि नहीं, वही अपने को खास ध्यान रखना है, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। ओके एंड वन मोर क्वेश्चन कि कई स्पीड पास का एक क्वेश्चन है कि कई बार स्पीड पास में एथलीट के हाथ से बॉल गिरकर दूर चली जाती है और वह जब तक उठाकर वहां जाता है तब तक 30 सेकंड फिनिश हो जाती है, ऐसे कंडीशन में एक्स्ट्रा बॉल लेकर उसके पास खड़ा रह सकते हैं? क्वेश्चन मार्क एंड और उसको बॉल देकर उसकी ट्रायल ले सकता है, तो प्लीज गिव मी आंसर। पीयूष भाई, उसमें ऐसा है कि आपका जब स्पीड पास शुरू होता है तब उसको 30 सेकंड का टाइमिंग दिया जाता है, तो अपने को आप क्या कर सकते हो कि आपके जो 3 मीटर का बॉक्स बनाया है दीवार से 3 मीटर दूर, वहां के दोनों साइड आप 2 वॉलंटियर्स खड़े रख सकते हो, 2 वॉलंटियर्स के पास बॉल्स होंगे, हैंडबॉल उनको दे देंगे, जैसे ही वो एथलीट स्टार्ट करता है तो जैसे उसके हाथ से गिर जाता है बॉल और आउटसाइड चला जाता है तो तुरंत उसको दूसरा बॉल देकर उसको अपने कंटिन्यू करा सकते हैं, जिससे उसका टाइम भी ना मिले पर वो अच्छा स्कोर कर सके। इसके लिए आप दोनों साइड में वॉलंटियर्स खड़े रख सकते हो बॉल के साथ। ओके थैंक यू। एंड एक क्वेश्चन मनीष भाई के लिए है कि जो उन्होंने स्किल पहली करवाई थी उसमें था कि जो प्लेयर है वो एक हैंड से कैच कर सकता है या फिर उसे 2 हैंड से ही कैच करना पड़ता है? प्लीज गिव द आंसर मनीष भाई। हेलो यस सर, जो आपने स्पीड पास पहले करवाई थी तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि एक हैंड से कैच करे तो वैलिड या फिर 2 हैंड से ही कैच करना पड़ता है? नहीं, उसको एक हैंड से कैच करे, 2 हैंड से भी कैच कर सकता है वो, है ना? उसको पास जो डालना है, जो बॉल फेंकता है वो एक ही हाथ से फेंक सकता है, और जो कैच करना है तो 2 हाथ से कर सकता है, ऐसा होता है। ओके ओके थैंक यू सो मच सर। एंड जो भी आपके क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट आपको हर एक के आंसर मिल गए हैं। मैं ये प्रोग्राम की क्लोजिंग की और हम बढ़ते हुए हम हमारे जो इंचार्ज है मैं उनसे विनती करता हूँ कि वो क्लोजिंग रिमार्क दें। मैं रिक्वेस्ट टू मुकेश भाई से मैं विनती करता हूँ कि वो क्लोजिंग रिमार्क दे दें। मुकेश भाई ओके ओके थैंक यू पीयूष भाई। आज का जो सेशन था अपने हैंडबॉल का 10 11 12 3 दिन का जो सेशन है उसमें आज अपना दूसरा दिन है,
आज के सेशन में आपको कल फर्स्ट डे अपने को इंडिविजुअल स्किल के बारे में पीनल भाई ने बताया था कि इंडिविजुअल स्किल क्या है। आज दूसरे दिन मनीष भाई और मैंने भी आपको टीम स्किल क्या है और वो कैसे लिया जाता है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दिया। तो मैं सबसे पहले मनीष भाई का खूब खूब आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो ये समय निकाल के अपने साथ आए और ये जो उनके पास जितना भी नॉलेज था वो सब अपने को आपको पीरस दिया है। अभी उन्होंने थाली में डाल तो दिया है, उसको कैसे खाना है वो अपने को खाना है। तो थैंक यू मनीष भाई, आपका खूब खूब धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े और सभी कोचिस को जो ऑल इंडिया से जुड़े हैं सभी को बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन देने के लिए अगेन आपका शुक्रिया। उनके साथ हमारे जो जो कोच यमुना बेन जुड़े थे उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि यमुना बेन ने भी बहुत अच्छी जो भी आज का स्किल के बारे में जो आपने को बताया कि क्या क्या स्किल हुआ, कैसे मेजरमेंट था, क्या था, उनके बारे में उन्होंने जो भी आपको उनके पास जो भी था वो आपको बताया, उसके लिए मैं यमुना बेन भी खूब खूब शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज हमारे साथ जुड़े। और थैंक यू ऑल कोचिस, पेरेंट्स, स्पेशल चाइल्ड, जो एथलेट्स है हमारे, जो एथलेट लीडर्स है, जो भी हमारे साथ ये जो सेमिनार में जुड़े वो सभी का मैं स्पेशल ओलंपिक गुजरात की ओर से और हमारी गुजरात की जो कोर टीम है उसकी ओर से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप सब हमारे साथ जुड़े। और अगर आगे फ्यूचर में भी जितने भी प्रोग्राम होंगे उसमें भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे उसके लिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि हमारा जो भी प्रोग्राम है आप हमारे साथ जुड़िए, कुछ नया नया कुछ अपने जानेंगे और सब साथ मिलकर अपने स्पेशल एथलेट के लिए कुछ नया नया कुछ करेंगे। थैंक यू और थैंक यू पीयूष भाई, पीयूष भाई का भी थैंक यू हम करेंगे क्योंकि ये जो सेमिनार चल रहे वो अपने को जो भी जो है वहाँ से स्क्रीन शेयरिंग है कि जो कंप्यूटर का जो भी वर्क है वो भी हमारे साथ बहुत अच्छी तरह से लाइसनिंग करके वो भी बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो मैं स्पेशल ओलंपिक गुजरात की टीम की ओर से पीयूष भाई का भी थैंक्स करना चाहूँगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओवर टू पीयूष भाई। थैंक यू सो मच मुकेश भाई। आज हमने जो अच्छी इन्फॉर्मेशन के बारे में जाना और कल भी इसी तरह हैंडबॉल की प्रैक्टिकल गेम कैसे खेली जाती है, कितने ऑफिशियल और कैसे मैच बारे में कल आपको हमारे रिसोर्स बताएंगे। तो कल 4 o'clock हम यही सेम आईडी और पासवर्ड के साथ तो फिर से आपके साथ तो ज्वाइन होएंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू।